हाय गाइस, वेलकम टू माइंड डायनामिक्स एंड आई एम योर ब्रेन कोच साक्षी। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में जो बेसिकली यंगस्टर्स के लिए या टीनेजर्स के लिए आज की डेट में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूप ले चुकी हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, नॉट ओनली फ्रॉम देयर प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो इन देयर पर्सनल लाइफ्स। आज के डेट में ऐसे क्रिएटिव लोगों की ज़रूरत है जो इन चीज़ों को एक लाइटर तरीके से लेके जा सके या अपनी लाइफ को सिंपल बनाया जा सके। तो आज हम इन्हीं स्किल्स को डिस्कस करने वाले हैं। मेरा ये वीडियो भी हिंदी में है बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। सो विदाउट गेटिंग डिलेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमने पहले कभी डिस्कस नहीं करी थी इस चैनल के थ्रू। बिफोर वी गो अहेड, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशंस व्हेनेवर अ वीडियो इज पोस्टेड। कुछ टाइम से वीडियो पोस्टिंग नहीं हो पा रही थी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ व्यूअर्स आस्किंग कि ऐसा क्यों है। सो देयर वर सम कमिटमेंट्स जिसको लेके हम बिजी थे एंड नाउ वी आर बैक अगेन एंड वी विल इंश्योर कि सारे वीडियोस आपको अप टू डेट मिलते रहें, नए नए स्किल्स आप सीखते रहें और इस जर्नी में हम आपके साथ बने रहेंगे। तो आइए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया एक बहुत ही हिस्टोरिकल कल्चर रिच कंट्री रही है और बहुत सारे सिस्टम्स इंडिया में ऐसे रह चुके हैं जिन्हें सदियों से फॉलो किया जा रहा है। आप ये भी बोल सकते हैं कि कुछ सिस्टम्स तो ऐसे हैं जिनमें हम आज भी बिलीव करते हैं। अगर हम गुड सिस्टम्स की बात करें तो हमारे पास आयुर्वेदिक साइंस है, मतलब आयुर्वेदा है, जिससे कि हमने मेडिसिनल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए हैं। हमारे पास एक रिच लिटरेचर है, हमारी कंट्री का एक रिच हिस्ट्री है जिसे हम आज भी फॉलो करते हैं एंड उन चीज़ों को हम आज भी उनकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। जैसे अगर आप महाभारता जैसी बुक देखने के लिए जाएं जो कि एक लीडरशिप गाइड की तरह हमें आज के डेट में भी उसमें इतनी क्वालिटीज़ हैं कि वो हमें आज की डेट में भी लीडरशिप की बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में समझा सकती है अगर कोई वाकई उस बुक को पढ़ना चाहे तो। और भी बहुत सारे ऐसे वेद हैं, बहुत सारे ऐसा रिच लिटरेचर है जो कि हमारे माइंड को सेटअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सो दिस इज़ सम ऑफ द गुड थिंग्स दैट हैव बीन हैपनिंग इन इंडिया। बट कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको अब टाइम के साथ शायद चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ पुराने कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आज से 70 इयर्स पहले बना था उसको अब थोड़ा सा चेंज करने की शायद ज़रूरत है, उनके लॉज को अमेंड करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया में, अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जो चीज़ें सदियों से चलती आ रही हैं वो चलती ही रहे, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग। तो आपको नहीं पता जिस हिसाब से वर्ल्ड चेंज हो रहा है, हमारी कंट्री को, हमारे लोगों को उस हिसाब से अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, उसे एक नया लुक देना पड़ेगा, तभी हमारा इंडिया जो है वो एक ट्रांसफॉर्म्ड लुक में, मतलब कि एक नए लुक में हमें दिखाई देगा। बहुत सारे डेवलपमेंट्स दिखाई देंगे, बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे, पर ये सब तभी पॉसिबल होता है जब लोग इंडिविजुअली इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोई भी मूवमेंट तब तक मूवमेंट नहीं बनता जब तक कोई एक इंडिविजुअल अपना एक स्टेप नहीं उठाता किसी चेंज के लिए। तो अगर आप देखने जाओ कि क्या ज़रूरी है तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप ये बोलो कि सबसे पहले हमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, तो नंबर वन पॉइंट आता है कि चेंजेस होना ज़रूरी है। चेंजेस इन एनी ऑफ द सिस्टम्स, वेदर इट बी एजुकेशन सिस्टम या आपका ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो सिस्टम्स जो सदियों से चलते आ रहे हैं कि मैनेजेरियल हायरार्की ही चलेगी, इस टाइप के जो कुछ ऑफिसेज हैं या कुछ जो पुराने तौर तरीक़ों वाले जो ऑफिसेज चलते आ रहे हैं उनके सिस्टम्स में चेंज लाना या कुछ भी ऐसे सिस्टम्स को चेंज करना जो कि बहुत टाइम से चलते आ रहा है, ये कभी कभी किसी एक सिंगल पर्सन को ही स्टेप उठा करके इन चेंजेस के तरफ आगे बढ़ना होता है। एंड दीज थिंग्स आर नॉट ईजी, दे टेक टाइम टू हैपन। हम ये नहीं बोल सकते कि ये चेंजेस एक दिन में हो जाते हैं, पर अगर कोई एक जन भी अगर आगे स्टेप लेता है इन चीज़ों के तरफ चेंजेस के लिए तो कई लोग साथ आते हैं और फिर आता है नए आइडियाज़, जिसकी वजह से होता है इनोवेशन। मतलब
नई चीज़ों का आना या नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, नई साइंसेस का यूज़ करके नई चीज़ों का बनना, जिसको हम बेटर वर्ड फ्रेज में एक इनोवेशन का नाम दे सकते हैं कि किस तरीके से नए आइडियाज़ से चीज़ें इनोवेट होती हैं। तो अगर आप देखने जाओगे तो चेंजेस भले एक पर्सन करे, पर इनोवेशन धीरे धीरे सबके साथ मिलकर के होता है। और जब ये होने लग जाता है तो फाइनली हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हमें ऐसे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं जो शायद कभी किसी ने सोचे भी नहीं थे। अगर हम आज से सालों पहले सोचने के लिए जाएं तो शायद किसी ने इतना भी नहीं सोचा होगा कि इंटरनेट हमारे फ़ोन्स पे इतने ईजिली अवेलेबल होगा और आप ये वीडियो इतने ईजिली देख सकें। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो विद इन द ईयर्स हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो इन द कमिंग ईयर्स होने हैं। इसलिए आज के यूथ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इन चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए या इन चेंजेस को बेटर तरीके से करने के लिए कुछ ऐसी स्किल्स पे ध्यान दें जो कि नॉर्मल रूटीन स्टडीज़ से अलग है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं मुझसे कि किस तरीके से हम एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर ला सकते हैं, किस तरीके से हमारे जो परसेंटेजेस हैं वो 90s और 95s टच कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स मेरे ऐसे भी रह चुके हैं जो सिर्फ इसीलिए पढ़ते थे, डबल आकर के पढ़ते थे डबल, बिकॉज दे जस्ट वांटेड टू स्कोर हाई। बट अल्टीमेटली स्कोरिंग हाई इन एग्जामिनेशंस इज़ नॉट द सोल्यूशन। कहीं ना कहीं उनकी जो थिंकिंग है, जो यूथ की थिंकिंग है, जो स्टूडेंट्स की थिंकिंग है, उसको चेंज करना ज़रूरी है। स्टूडेंट की थिंकिंग को चेंज करने के लिए सबसे पहले टीचर्स एडुकेटर्स की थिंकिंग को चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जो उन्हें सिखा रहा है, जो पर्सन उन्हें नॉलेज दे रहा है, अगर वो चेंज नहीं होंगे तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो बच्चा सीख रहा है वो उस चेंज को समझ पाए। तो दोनों तरफ से सोसाइटी को बैलेंस होना ज़रूरी है कि एक तरफ एजुकेटर्स आते हैं, ऐसे लोग आते हैं, प्रोफेशनल लोग आते हैं जो हायर हायरार्की पे हैं, जो कम हायरार्की वाले लोगों को काम सिखा रहे हैं, उनका स्मार्ट होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना नीचे लेवल के स्मार्ट होना ज़रूरी है। मतलब अगर स्टूडेंट स्मार्ट हैं ठीक है, पर उनकी स्मार्टनेस को यूज़ करना भी टीचर्स को आना चाहिए। तो ये एक बहुत ज़्यादा चेंज है जो कि नेसेसरी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अगर हम कुछ इफ़ेक्टिव स्किल्स की बात करें, जो कि हम करने वाले थे, कि हमने बात करी थी कि हम आपको 5 ऐसी स्किल्स बताएंगे जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले अगर आज से हम 5 to 10 ईयर्स बैक देखे जाए, मतलब कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी उस टाइम पे कुछ अलग ही एक सिनेरियो हुआ करता था जहाँ पे लोग इम्पोर्टेंस देते थे डिग्री को, परसेंटेजेस को। इनफैक्ट ये भी बोला जाता था कि आप ये कोर्स कर लो, आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD कर लो, तो आपको बहुत अच्छा रिसर्च में जॉब मिल जाएगा, यू बी एबल टू रिसर्च अ लॉट। पर अगर आपने उस दिल से पढ़ा ही नहीं है उस सब्जेक्ट को, आपने सिर्फ इसीलिए पढ़ा है क्योंकि इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम और आपको एग्ज़ाम्स पास करने हैं, तो वो चीज़ जो आनी चाहिए, जो इनोवेटिवनेस और जो चेंजेस की ज़रूरत है, वो तो शायद आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप सिर्फ पुराना पढ़ रहे हो और पुराना ही प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कुछ नया उससे सोल्यूशन तो सोच ही नहीं रहे हो। तो जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक चेंजेस लाना बहुत ही मुश्किल है। तो आज ऐसे कौन सी स्किल्स हैं जिनको कंपनीज़, इनफैक्ट बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो समझ चुकी हैं कि अगर हमें आगे चेंज करना है तो हमें बेसिक एजुकेशन सिस्टम से या बेसिक जो डिग्री सिस्टम, परसेंटेज सिस्टम था, उससे दूर जा कर के हमें किसी ऐसे टैलेंट को हायर करना पड़ेगा जो कि हमारे लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आजकल कंपनीज ढूंढ रही हैं, आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट स्किल अगर हम देखने के लिए जाएं तो आती है आपकी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस। अगर कोई एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो उसे आप किसी बुक में लिखे हुए लैंग्वेज के थ्रू या बुक में लिखे हुए इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको क्रिएटिवली सोच के एक नया सोल्यूशन बनाना पड़ता है, जिसके वजह से कभी कभार कुछ जो कंपनीज होती हैं उन्हें जब ऐसे क्रिएटिव लोग मिलते हैं तो वो उनकी वैल्यू को समझती हैं और मे भी उनको एक अच्छा पैकेज भी ऑफर करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी कुछ टाइम पहले ही 1 to 2 मंथ्स बैक देर वॉज अ गर्ल जिसको जिसने जस्ट ग्रेजुएशन पास किया था और उसे जॉब नहीं मिल रही थी। ये चीज़ मैंने अपने FB पोस्ट पे भी फॉलो करी थी, पे भी शेयर करी थी। अगर कुछ लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो शायद उन्होंने ये चीज़ देखी होगी।
अगर आपने नहीं भी देखा हो तो मैं एक बार ज़रूर फिर से बताना चाहूँगी. व्हाट शी डिड वाज शी वांटेड टू गो इनटू ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और क्योंकि उसे अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पावर दिखाना था कि उसमें कितनी क्रिएटिविटी है, शी जस्ट मेड हर रिज्यूम इन अ ग्राफिकल वे. और जिस तरीके से उसने ग्राफिकल वे में अपना रिज्यूमे बनाया, उस विद इन 20 डेज उसको इंफोसिस से खुद कॉल आया. सो दीज आर द थिंग्स जो कि तब होती हैं जब आप खुद अपनी क्रिएटिविटी को शेयर करना चालू करते हैं. जब तक आप अपनी क्रिएटिविटी को शेयर करना नहीं चालू करेंगे, जब तक आप एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढना नहीं चालू करेंगे, तब तक आपकी वैल्यू आज के डेट में कोई नहीं करेगा, भले ही आपके पास 90% की डिग्री हो. तो क्रिएटिविटी इज़ वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका टेक सैवी होना, मतलब आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. अगर आप टेक सैवी नहीं हैं तो उस केस में आप बहुत सारी चीज़ों को कम टाइम में करते हैं, मतलब आपको जो चीज़ें जल्दी करनी है और स्पीड से करनी है, प्लस आपको एक ही काम अगर मल्टीपल वेज से करना है तो आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी. क्योंकि आज के डेट में विदाउट टेक्नोलॉजी बीइंग फास्ट एट वर्क, बीइंग सीइंग मल्टीपल वेज टू डू वन वर्क, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है विदाउट टेक्नोलॉजी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम टेक सैवी, मतलब आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज जो है वो अच्छी होनी चाहिए. फिर आप किसी भी फील्ड में हो, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग में हैं तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की भी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि आजकल इंजीनियरिंग फील्ड्स में यूज़ हो रही हैं, वेदर इट बी सॉफ्टवेयर टू डिज़ाइन समथिंग, या मे बी कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जो कि डिज़ाइनिंग के एरर्स निकाल सके, मशीनिंग के एरर्स निकाल सके कि मशीन अगर मैन्युफैक्चर हुई है तो उसमें क्या एरर्स हैं, मे बी एक स्कैनिंग सिस्टम बन सके. तो ऐसे बहुत सारी छोटे छोटे टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके बारे में आज हम शायद जानते भी नहीं हैं. एंड आई एम श्योर कि अगर आप गूगल करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जिसमें दुनिया भर से लोग अभी तक रिसर्च कर चुके हैं अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, चाहे वो मेडिसिनल फील्ड हो, चाहे वो आपकी इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे आपका एजुकेशन फील्ड हो. आजकल एजुकेशन फील्ड में भी टेक्नोलॉजी ने अपना सिक्का जमा लिया है, आप ये बोल सकते हैं. जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं वो यूज़ होने लग गए हैं आजकल क्लासरूम्स में, चाहे वो वर्चुअल क्लास बोर्ड्स हों, ऑनलाइन कोर्सेज हों, ई लर्निंग सेशंस हों. इनफैक्ट आपकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो भी वन ऑन वन पर्सनल ट्रेनिंग्स पे शिफ्ट हो चुकी हैं. पहले आपको ट्रेनिंग्स के लिए, अगर आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग चाहिए तो आपको पहले कोटा तक ट्रैवल करना पड़ता था, बट आज की डेट में कोटा के भी कई इंस्टीट्यूट्स जो हैं या जो दूसरे भी ऑल ओवर इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने कई ऑनलाइन कोर्सेज खोल के रखे हैं जिसके थ्रू आप घर बैठे भी या किसी उनके सेंटर पर जाके भी उनके वैल्यू बेस्ड डिग्री ले सकते हैं एंड दे कैन गिव यू अ प्रॉपर एजुकेशन. तो टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में. थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो इट इज़ कि आप अपने इमोशन को कैसे हैंडल करते हैं, दैट इज़ हाउ इमोशनली इंटेलिजेंट यू आर. आज की डेट में IQ का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना EQ का है, मतलब आज की डेट में इंटेलिजेंस कोशेंट वो जो है उसका पावर कम है, पर इमोशनल क्वेश्चन जो है उसका पावर ज़्यादा है. अगर आपको एक टीम दे दी जाए 10 लोगों की और अगर आप उनको इमोशनली हैंडल नहीं कर सकते तो वो टीम आपको विद इन 10 डेज छोड़ के चली जाएगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके इमोशंस को समझें और अपने पॉजिटिव इमोशंस को उनमें फैलाएं. उनको नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, बिकॉज अगर किसी भी पर्सन को अगर नेगेटिव फीलिंग आ गई वर्क करते टाइम तो उनसे आप वो काम नहीं करा सकते जो आप कराना शायद चाहते हो, या आप उनके साथ भी काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज़ वो एक नेगेटिव फीलिंग का बैरियर हमेशा बना रहेगा कि पॉइंटिंग आउट होता है, ईगो इश्यूज होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज आ जाते हैं. तो आजकल क्योंकि टीम्स जो हैं वो इतनी बड़ी हैं और अगर आप बड़ी कंपनीज में देखने जाओ तो टीम्स जो हैं वो एक सेंटर पे या एक लोकेशन पे बैठती ही नहीं है. एक बंदे को अलग अलग जगह पे टीम हैंडलिंग करनी होती है. मे बी वो एक मुंबई में बैठा है तो एक आगरा में बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है, पर सेंट्रल लोकेशन मुंबई है इसलिए कोऑर्डिनेशन मुंबई से हो रहा है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आजकल इंडस्ट्रीज़ में आ चुकी है और इन चीज़ों को समझना, इनको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना, इन्हें मैनेज करना एक अच्छे मैनेजर को हमेशा आना चाहिए. तो अगर आप ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं तो आपको अपने इमोशंस को हैंडल करने की ज़रूरत है, मतलब कब हैप्पीनेस लेके आना है,
अपनी लाइफ में, या कब आप ये बोलिए कि अपने एंगर को सप्रेस करना है, अपने सैडनेस को दूसरों में नहीं फैलाना है, अपना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ अलग रखना है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो कि आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाते हैं, मतलब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। मैंने पहले भी माइंड मैपिंग पे बहुत सारे वीडियोस किए हैं जिसमें मैंने ये बताया है कि किस तरीके से आप अपने माइंड को चैनलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ें अगर आप कुछ कंटेंट देखने जाएंगे तो यूट्यूब पे और भी अच्छा अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, या दूसरी जो वेबसाइट्स हैं गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं। बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशनल प्रैक्टिसेस होती हैं जिसके थ्रू आप इन स्किल्स को अचीव कर सकते हैं, बिकॉज इमोशनली इंटेलिजेंट होना इज़ अ टफ जॉब। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सारे काम करना इज़ नॉट सो मच ईजी। मोस्टली पीपल दे बाज आउट, या तो वो चिल्ला देंगे या वो उस सिचुएशन से भाग जाएंगे। तो सिचुएशन से नहीं भागते हुए उसी सिचुएशन में रह के चीज़ों को कंट्रोल करना, इसी को हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और आज की मल्टीनेशनल कंपनीज इसी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं। नेक्स्ट स्किल आती है आपका डेटा प्रोटेक्शन या डेटा इंक्रिप्शन जिसको आप कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपको डेटा मैनेज करना आना चाहिए। तो डेटा मैनेजमेंट इज़ अनदर स्किल जो आज की बहुत सारी बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज ढूंढ रही हैं। दे लुक फॉर मोर ऑफ डेटा मैनेजमेंट पीपल, बिकॉज आज की डेट में सब कुछ टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है। तो कई जगह चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अगर डेटा मैनेज नहीं कर पाते तो सब कुछ आपके हाथ से बाहर निकल जाता है। मतलब अगर आप डेटा को मैनेज नहीं कर सकते, उसके साथ खेल नहीं सकते, डेटा को समझ नहीं सकते, तो जितने भी रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वहाँ आए होते हैं उस कंपनी में या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, वो सब ज़ीरो हो जाते हैं अगर आप उस डेटा को नहीं समझ सकते। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि डेटा साइंसेज आजकल एक पॉपुलर स्ट्रीम है जो लोग आफ्टर ग्रेजुएशन फॉलो कर रहे हैं, उस स्किल को सीख रहे हैं कि डेटा को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, और यही चीज़ जो है वो आपको आगे जाके हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो लास्ट स्किल है, वो ये है कि आपको कल्चरली रिच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप कुछ भी कर लो पर अगर आपका बिहेवियर, आपके एटिकेट्स अगर सही नहीं हैं तो कोई भी कंपनी आपको जॉब नहीं देगी। मतलब आपका इंटरव्यू रूम में एंटर करने से ले करके आपके लास्ट डे ऑफ वर्किंग तक, जब तक आप उस कंपनी से एसोसिएटेड हो, आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो कि उस कंपनी के कल्चर को या आपको कल्चरली फिट नहीं बताए। मतलब आपको अपने एटिकेट्स को, अपने गुड बिहेवियर को इस तरीके से बनाए रखना है कि लोग आपको याद रखें, क्योंकि इसी से हमें इंडस्ट्री में फ़ायदा मिलता है। तो कल्चरली फिट लोगों को लोग इसीलिए ढूंढते हैं बिकॉज हर एक इंडस्ट्री का अपना एक अलग कल्चर होता है। अगर आप मीडिया इंडस्ट्री को देखो तो मीडिया इंडस्ट्री का एक अलग कल्चर होता है। आप फार्मेसी में चले जाओ, वहाँ का कल्चर अलग होता है। आप आईटी इंडस्ट्रीज़ में आ जाओ, कॉरपोरेट कल्चर एक अलग ही कल्चर है जहाँ पे कि लोग बहुत ही फॉरवर्ड वे में लुकआउट करते हैं, चीज़ें काफ़ी हाई प्रेशर्ड होती हैं। तो मतलब हर एक इंडस्ट्री का एक अलग कल्चर है, और लोग हमेशा कुछ कल्चर फिट लोगों को देखना पसंद करते हैं या उन्हें अपने ऑफिसेज में रखना पसंद करते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट कि कोई आए और चार दिन में छोड़ के चला जाए, या डिस्टर्बेंसेस जो करेंट टीम है उसमें डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करके चले जाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी किसी जॉब को, जब आप भी इंटरव्यू देने जाते हैं, तो प्लीज़ उस सेक्टर के बारे में, उस कंपनी के बारे में थोड़ा पता कीजिए, वहाँ का क्या कल्चर है, कैसा कल्चर है, अगर आप वहाँ पे फिट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज टाइम दोनों जगह से जाता है, मतलब एम्प्लॉयर का भी टाइम जाता है और यहाँ एम्प्लॉय भी अपना वैल्यूबल टाइम वेस्ट करता है अगर वो सिर्फ चार दिन कहीं जॉब करके वापस आ रहा है। तो ऐसी कुछ स्किल्स हैं, यही कुछ स्किल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, और इन्हीं स्किल्स से हम बेसिक 3 पॉइंट्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। मतलब हम चेंज ला सकते हैं, हम इनोवेशन कर सकते हैं, और फाइनली हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। यही 3 चीज़ें इंडिया को एक ट्रांसफॉर्मेशनल मोड में ला सकती हैं। सो लेट अस ऑल ट्राई टुगेदर कि हम अच्छे तरीके से इस ट्रांसफॉर्मेशन में
आगे बढ़ सकें, इंडिया को सच में ट्रांसफॉर्म कर सकें. एंड लेट्स विश कि जितने भी स्टूडेंट्स जो फ्यूचर जनरेशन के आ रहे हैं, दे गेट टू लर्न दीज स्किल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट लर्निंग देयर बुक्स. आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम के साथ वैसे भी चेंज हो रही हैं, जैसे अभी CBSE ने भी गाइडलाइन निकाला है टू इम्प्रूव सम ऑफ द सिलेबस पैटर्न्स जो उनका सालों से फॉलो हो रहा था, जिसमें उन्होंने इमोशनली इंटेलिजेंट होने पे भी कुछ पॉइंट्स रखे हैं. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंजेस हो रहे हैं, बट आगे भी चेंजेस होते रहेंगे. इसी के साथ मैं आज का वीडियो समअप करती हूँ. इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग.